Hello everyone, hope that you all will be fine and safe. आज हम लोग पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम में नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ, विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत. स्टूडेंट्स, लाइफ में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं या ऐसे दोराहे पर आ जाते हैं जिससे कि यह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस रास्ते को हम अपनाएं. दोनों ही रास्ता एक सा लगता है. उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है, हम उस सिचुएशन से कम अप आते हैं होते हैं या बाहर आते हैं अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, जो हमें बताता है कि कौन सा रास्ता हमें लेकर, कौन से रास्ते पर हमें चलना है. एक तरह से ये हमारा पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, जो जो हम वैल्यूज़ या फिर प्रिंसिपल्स या फिर मूल्य जिसको हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ में, वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. उसी तरह से करिकुलम में भी पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावित करती है, या हम यह कह सकते हैं कि उसे दिशा निर्देशन देती है. प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ करिकुलम, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. नाउ द फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत. Curriculum should according to need, interest, capacities, abilities, age and level of interest of the pupil. Curriculum, पाठ्यक्रम जो होते हैं वो पाठ्यक्रम को बच्चों को केंद्र में लेकर के बनाना चाहिए. बच्चों के आवश्यकताएं या उसकी अभिरुचि, उसका खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एज के हिसाब से एक बच्चों की जो अभिरुचियाँ हैं वो एक लेवल के हिसाब से चेंज होते रहती है. इसलिए एजुकेशनल एक्टिविटी शुड बी मीनिंगफुली अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड एंड फॉर हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट. तो हम उस तरह के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को शामिल करें जो बच्चों को, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके एज लेवल के हिसाब से हो, और जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक हो. यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं जो डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ का समायोजन किया गया है करिकुलम में. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का समायोजन किया जाता है. इससे दो फायदे होते हैं. एक तो टीचर को पता चलता है कि क्या बच्चों में छुपी हुई क्वालिटीज़ है, क्या उसमें गुण है, और ना दूसरे बच्चे को भी खुद के बारे में समझ में आती है कि उसे क्या अच्छा लगता है. कभी कभी देखिएगा बच्चे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें वो सब कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, ऐसा उनको लगता है, मगर जब सही मायने में वो उस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो उसका खुद का डेवलपमेंट भी होता है, और उसे भी अपनी अभिरुचि, अपने इंटरेस्ट और अपने आगे जीवन में किस किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है उसका नॉलेज प्रॉपर तरीके से होता है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत. यहाँ जीवन या प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन ऑफ लाइफ मीन्स ओनली दो सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड विच आर रिलेवेंट टू द एक्चुअल लिविंग लाइफ, लिविंग डायरेक्टली. करिकुलम में उन विषयों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है जो मनुष्य को उसके लाइफ के साथ, बच्चे को उसके करंट लाइफ के साथ जोड़ता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए जो पुराने या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत दिनों से चली आ रहे हैं या उसमें किसी तरह के डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है अभी के सिनेरियो के हिसाब से, तो उसमें उस तरह के डेवलपमेंट किया जाए, इसका ये मतलब हुआ. आज के सिनेरियो में हम अगर डिजिटलाइजेशन को या फिर टेक्नो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को अगर करिकुलम में शामिल नहीं करते हैं तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे. इसके साथ साथ अगर हमें फैमिली वैल्यूज़ और कोऑपरेशंस, इन सारी चीज़ों का भी रिस्पेक्ट या फिर उसका हमें
उसके बारे में अगर हमें नहीं मालूम है, उसकी वैल्यूज़ नहीं पता है, क्या है फैमिली वैल्यूज़ और क्या होती है आपस में मिलकर रहना, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन सारी चीज़ों का समन्वय समायोजन करिकुलम में होना आवश्यक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का सिद्धांत। करिकुलम शुड इंक्लूड दो सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस व्हिच आर यूजफुल टू द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चों के करिकुलम में उन सारे सब्जेक्ट विषयों और क्रियाकलापों को शामिल करना चाहिए जो बच्चों के लिए अभी के लिए एज वेल एज आगे आने वाले जीवन के लिए ज़रूरी हो, या कह सकते हैं बच्चों उन विषयों पर ज़्यादा बल देना चाहिए जो बच्चों को भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स और स्कूल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और म्यूज़िक का समायोजन होता है। अलग अलग तरह के हम मेथोडोलॉजी के तहत साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होना बहुत तरह का ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, यानी दूरदर्शिता का सिद्धांत। करिकुलम सब्जेक्ट्स एंड मटेरियल शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स। वो दूरदर्शिता होनी चाहिए, अभी दूरदर्शिता का सिद्धांत के अनुसार कि बच्चों आजकल हम हर एक लाइफ के हर एक फेज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर उस प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। तो उस सॉल्यूशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका सॉल्यूशन या उसका निवारण प्राप्त करने के लिए बच्चों को इन्फ्लुएंस करना, ये फॉरवर्ड लुकिंग के अंतर्गत आता है। जैसे अभी रिसर्च को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि एक सही तरीके से सही ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में पता चलना, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, उस समस्या का समाधान के बारे में पता लगाना। तो आज अभी बच्चों के करिकुलम में स्टार्टिंग से ही रिसर्च की ओर बल दिया जा रहा है, और जैसे जैसे हायर लेवल पर जा रहे हैं उसके एक स्टेप को और आगे बढ़ाया जा रहा है। Now to find out the suitable solutions and achieve harmonious adjustment with the changing condition and situations of life in progressive way. इसको आप समझ सकते हैं कि अभी करंट में ये COVID-19 महामारी बहुत व्यापक रूप धारण की हुई है, और जहाँ देखो वहाँ COVID-19 चल रहा है। मगर इसके पहले जो सिचुएशन था दैट वॉज, जहाँ देखो तब COVID-19 से पहले की बात कहा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम थी वो ग्लोबल वार्मिंग की, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, उससे होने वाली समस्याएं, और उससे बचने के लिए तरह तरह के प्रोटोकॉल और तरह तरह के एक्ट्स वगैरह सब सामने आ रहे थे, और सारे लोग लगे हुए थे उसमें। और कह सकते हैं कि उसके लिए सरकार भी बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे थे। यस, ये परेशानी आई है तो जाएगी भी, मगर देखने वाली बात ये है कि इसी बीच जब सब कुछ बंद पड़ा है तो नेचर ने अपना रुख बदला है, हवा साफ़ हो गई है, वातावरण साफ़ होता जा रहा है, पानी गंगा नदी परियोजना जिसे साफ़ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे वो अपने आप साफ़ हो रहे हैं, नेचुरल हीलिंग हो रही है। नाउ द लर्निंग के सिनेरियो में भी ई लर्निंग डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। अब हमारे सामने नई चुनौतियां बढ़ करके सामने आ रही हैं, कंपनीज, स्कूल्स, सारी जगह स्टेशनरी, सारे जगह अभी हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास और अभी कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि जब सब कुछ डिजिटलाइजेशन पे हो जाए तो क्या इसका प्लस और माइनस क्या इफ़ेक्ट है, और उस पर फिर फर्दर हम किस तरह से वर्क करें। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो आने वाला है, हो सकता है वो हो सकता है कि हमारे एजुकेशन में, ये देख रहे हैं ये पिक्चर, यहाँ बच्चा एक बैग लिया हुआ है और
प्रोजेक्ट फाइल लिए हुए हैं, और ये कमिंग, ये जो दूरदर्शिता का सिद्धांत है, ये बता रहा है कि कमिंग सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। तो करिकुलम को भी अपने आप को रेडी करना होगा इसके लिए, इसके लिए सुदृढ़ उसे व्यवस्था करनी होगी, इसके लिए वेब उसे शामिल करनी होगी। अब वेब डिज़ाइनिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, जब अगर घर में ही बैठकर अगर पढ़ाई की जाती है तो बहुत तरह के पैनिक कंडीशन होते हैं, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेस, बहुत तरह की चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं, तो उस चुनौतियों से लड़ने के लिए आगामी करिकुलम को भी उस तरह से तैयार होने की आवश्यकता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन का सिद्धांत। वेरिएशन एंड डिफरेंस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का कहने का मतलब है कि बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी कैपेसिटी, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो करिकुलम में भी उस चीज़ का समायोजन होना चाहिए, और उनके इंटरेस्ट के अनुसार अगर बच्चे स्विच होना चाहे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की ओर, तो उन सारी चीज़ों का समायोजन होना चाहिए। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ध्यान दे रही है, और उसके तहत नए नए प्रिंसिपल्स का समायोजन भी किया जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, देयर शुड बी इनफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी इन द करिकुलम टू अलाउ फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड अडेप्टेशन टू इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट्स। यानी बच्चों की आवश्यकताओं और उसकी अभिरुचि के अनुसार करिकुलम में चेंज होने का, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होने का सिद्धांत होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वो करिकुलम बच्चों के लिए बोझ बन जाएगा। एट अ टाइम हम तुरंत किसी पर हम एक स्टिक डिसीज़न नहीं ले सकते कि हाँ ये चीज़ ही मुझे अच्छा लगता है और मुझको इसी में आगे जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दूर जाने के बाद लगता है कि नो इट इज़ नॉट फिट फॉर मी, और उस सिचुएशन में अगर कुछ और प्रावधान ना हो करिकुलम में, तो बच्चे जितना उसमें उसकी कैपेसिटी है वो अपने कैपेसिटी तक उस पर एफर्ट नहीं लगा पाएगा और आगे उस चीज़ उस जगह में आगे दूर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें करिकुलम निर्माण में इस चीज़ को या करिकुलम विकास में इस चीज़ को खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। और भी है बहुत कुछ करिकुलम में, हम लोग इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।